शहर में संचालित सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में नीट परीक्षा की कोचिंग कर रहे छात्र रूपम मिश्रा ने जिले का नाम रोशन किया है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में रूपम का चयन हुआ है। रूपम की सफलता पर जिले के प्रबुद्ध जनों ने बधाई दी है। भिलाई के एक निजी स्कूल की कक्षा 11वीं के छात्र रूपम मिश्रा पुत्र पारितोष मिश्रा ने राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में सफलता हासिल की है। रूपम मिश्रा के पिता पारितोष मिश्रा कालीबाड़ी मंदिर नेहरू नगर में पिछले 27 वर्षों से पुजारी का काम कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और बच्चों की पढ़ाई पर भी खर्च करते हैं। रूपम मिश्रा ने अपनी सफलता के लिए सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज प्रबंधन का आभार जताया। वहीं रूपम के परिजनों ने अपनी खुशियां ग्रैंड न्यूज से साझा की। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करता है, सफलता उसे जरूर मिलती है। जी हाँ, कठिन परिस्थितियों से संघर्ष कर सफलता की ओर अग्रसर रूपम मिश्रा कक्षा 11वीं के छात्र हैं। रूपम का चयन नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के तहत हुआ है। रूपम के पिता पारितोष मिश्रा नेहरू नगर कालीबाड़ी मंदिर में पुजारी रहते हुए बीते 27 सालों से माँ की उपासना कर अपने पुत्र को सफल करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। यह हम आपको बता दें, रूपम ने साल 2021 में सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज ज्वाइन किया था। आंखों में सपने लिए रूपम ने सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में प्रशिक्षण के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई भी की है। सचदेवा कॉलेज की पढ़ाई, वहां के स्टाफ व खासकर कॉलेज के डायरेक्टर चिरंजीव जैन सर का सहयोग रूपम को काफ़ी प्रभावित किया। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में चयन होने के बाद रूपम ने अपने अनुभव व सचदेवा कॉलेज की फैकल्टी, कॉलेज के द्वारा दिए गए सहयोग व प्रशिक्षण को साझा किया। मेरा नाम रूपम मिश्रा है, मैं 11वीं कक्षा का छात्र हूँ। अभी आपने ऑनलाइन स्टडी के दौरान जो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, क्या बताना चाहोगे इसके लिए, क्या बोलना चाहोगे? मुझे इस बात की बहुत खुशी है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जैसे बड़ी परीक्षा को क्वालिफाई किया। इसमें काफ़ी श्रेय मैं अपने कोचिंग सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी साल भर मेरी काफ़ी मदद की। कोटा से टीचर्स लाए मेरे लिए, काफ़ी अच्छे सवालों की प्रैक्टिस कराई और इन कुल मिला के मुझे साल भर मेरे साथ सहायता बनाई रखी मेरे लिए। वहाँ की पढ़ाई का, ऑनलाइन पढ़ाई तुमने की, तो वो कौन सा दौर था कॉलेज का, या ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान में ऐसे जो सवाल आपको उलझाए और ऐसा लगा कि इस टाइम पे मैं यहाँ पर परिस्थितियों में फंस चुका हूँ और कॉलेज अपना योगदान दिया, वो कौन सा लम्हा था? काफ़ी बार ऐसा हुआ कि मैं कुछ कठिन सवालों ने मुझे जकड़े रखा, उस जब भी मुझे कठिन सवालों को ने परेशान किया, तभी मैं अपने अध्यापकों के पास गया हूँ। उन्होंने मेरी काफ़ी सहायता की है प्रश्नों के साथ और उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है कि मैं किसी भी परीक्षा को हमेशा क्वालिफाई कर सकता हूँ। इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान आप टीचर से एक गैप, एक दूरी होती है, क्या कभी चिरंजीव जैन सर से तुम्हारी मुलाकात हुई और उन्होंने किस तरह का तुमको मोटिवेट किया और सहायता किस तरह से की? मैं मानता हूँ कि श्री चिरंजीव जैन सर काफ़ी नेक दिल व्यक्ति हैं। मैंने उनसे काफ़ी बार फ़ोन पे बात की और उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है कि मैं कभी हार ना मानूं और नीट जैसे बड़े परीक्षा को मैं आसानी से क्वालिफाई कर सकता हूँ। इस एग्ज़ाम के लिए वो कौन सा सवाल था जो तुमको बहुत उलझाए रखा? काफ़ी विषयों से प्रश्न आए, जैसे मेंटल एबिलिटी के काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो मैं नहीं बना पा रहा था, परंतु मेरे टीचर्स ने मेरी काफ़ी सहायता की है। क्या बोलना चाहोगे संस्थान के बारे में, अपने अनुभव को कैसे बयां करूं? मैं अपने सभी दोस्तों व मुझसे छोटे जो भी छात्र हैं, मैं उन्हें हमेशा रेकमेंड करूंगा कि वे सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ एक कोटा से टीचर्स लाते हैं जो कि बिल्कुल अपने क्षेत्र में निपुण होते हैं। उनकी एक एक टॉपिक में काफ़ी अच्छी पकड़ रहती है हमेशा और वे छात्रों के हमेशा साथ रहते हैं। वह ऐसे अध्यापक नहीं, एक दोस्त की तरह पढ़ाते हैं हमें। विषयों में कौन कौन सा चयन किया है आपने, विषय कौन कौन से हैं? मेरे विषय जो है वह फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी। ये रिलेटेड है नीट से और तुम उसकी किस तरह तैयारी कर रहे हो, और संस्थान जहाँ से तुमने ऑनलाइन स्टडी की, कोचिंग किया 11th में, तो वहाँ से कैसी अपेक्षा करते हो? जी, मैं सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज से फ़िलहाल नीट की तैयारी कर रहा हूँ और वे हमेशा मेरी मदद पर प्रस्तुत रहते हैं। चाहे कोई भी कठिन सवाल हो या फिर कोई भी कठिन विषय पर मुझे डाउट आता हो तो वे हमेशा मेरी सहायता करते हैं। टेस्ट सीरीज कैसी लगी तुम्हें? टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छी है जो कि नीट लेवल को परफेक्टली मैच करती हुई रहती हैं।
कभी कुछ क्वेश्चंस जो रहते हैं काफ़ी घुमावदार रहते हैं, जो मुझे हमेशा तैयार रखते हैं कि कभी परीक्षा में अगर कोई कठिन सवाल आ जाए तो मैं उनसे टैकल कैसे करूँ। जी चिरंजीव जैन सर हमेशा मुझे यह कहकर मोटिवेट करते हैं कि सफलता हमेशा कठिन परिश्रम से ही प्राप्त हो सकती है, और अगर सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज का साथ हो तो कोई भी परीक्षा मुश्किल नहीं है। बीते 27 वर्षों से मंदिर में पुजारी का कार्य कर रहे रूपम के पिता परितोष मिश्रा को नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन क्या होता है, ये किस तरह का एग्जाम होता है, इसका ज्ञान नहीं था। पर पुत्र के चयन के पश्चात उन्हें ज्ञान हुआ तो वे खुशी से फूले नहीं समाए। इस उपलब्धि के लिए उन्होंने रूपम की कोचिंग संस्थान सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज का आभार दिल से जताया और सचदेवा कॉलेज में फ्री कोचिंग के दौरान कॉलेज द्वारा दिए सहयोग को उन्होंने हमसे साझा किया। मेरा नाम परितोष मिश्रा है, मैं नेहरू नगर कालीबाड़ी का पिछले 27 वर्ष से पंडित जी यानी पुजारी के रूप में सेवारत हूँ, और अपने दो बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। बेटा का नाम रूपम मिश्रा है जो कि हाल ही में नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का क्वालिफाई किया है, इसलिए मुझे काफ़ी अपने बेटा के प्रति एवं न्यू सचदेवा पीटी कॉलेज के प्रति गर्व है। और इस दौरान आपके बेटे क्या कोचिंग किया, कैसा अनुभव रहा, कॉलेज से कैसा आपको सहायता मिली? देखिए मैडम, ऑनलाइन का दौर है, फिर भी मैंने जहाँ तक अपने बेटा का नोटिस किया, समय पे उन लोगों ने कोचिंग चलाया, कोटा से बहुत अच्छे शिक्षक लाए। और ऐसे भी हकीकत बात तो यह है, हमारा बेटा भी काफ़ी रुझान दिखाया तभी जाके ये चीज़ सफल हो पाया। सहायता कर सकते हैं मोटिवेट करने के लिए, चिरंजीव सर का क्या योगदान रहा? हमारे आर्थिक स्थिति तो इतना अच्छी है नहीं है, हमारे कोई एक मित्र ने और बड़े भाई ने श्री दिव्यव्रत चक्रवर्ती जी ने उनसे अपील की थी कि भैया एक टैलेंट बच्चे हैं आप इसको पढ़ा दियो, तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में जैन सर ने मेरा ये बच्चे को पढ़वाया। क्या कहना चाहेंगे? मेरे से एक पैसा कभी लिया नहीं है, इसलिए जैन सर को और सचदेवा पीटी कॉलेज को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उनका आभारी रहूँगा। जैसे क्या ये एग्ज़ाम किस तरह का है और एग्ज़ाम के बारे में क्या मालूम था आपको? जो जहाँ तक मेरे जानकारी में ये भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप लेवल पे आता है, इनके ऊपर और कोई स्कॉलरशिप हिंदुस्तान में है नहीं है, तो बड़े टॉप है। और मुझे 100% भरोसा था और यकीन था कि मेरा बेटा, हम लोग भगवान का इतना सेवा करते हैं, मदन करते हैं, कुछ ना कुछ आशीर्वाद तो हमको मिलेगा ही, और भगवान की कृपा से मिलते ही रहा है, क्योंकि बेटा का भी हो गया और जैन साहब ने भी मदद कर दिए, इसलिए मैं काफ़ी आनंदित हूँ और भगवान को जैन साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सफलता कठिन परिश्रम से ही मिलती है। जी हाँ, सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में नीट की तैयारी कर रहे रूपम चयन के बाद कॉलेज के डायरेक्टर द्वारा दिए इस सीख व मंत्र को अपना एक एम बना चुके हैं। अंचल का लोकप्रिय शिक्षण संस्थान सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के प्रयास और रूपम की लगन उसके लक्ष्य तक पहुँचाने कारगर साबित होगी। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।